दोनों यात्रा के बीच कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया जबरदस्त डांस, रातों रात वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। यहां आपको पता चले कि जहां एक तरफ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष व सांसद राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से अपनी पैदल यात्रा की शुरुआत कर चुके, तो इसी बीच लगातार एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि राजस्थान से आए कांग्रेस के कार्यकर्ता भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जबरदस्त डांस करते हुए नजर आ रहे। वीडियो में आप देख सकते हैं कि यहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता माथे में पगड़ी पहने हुए और राजस्थानी गाने पर डांस करते हुए नजर आ रहे, जो इस समय सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। बताया चले कि राहुल गांधी ने पिछले कुछ दिन पहले ही कन्याकुमारी से अपनी भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कर चुके हैं और यह यात्रा 150 दिन के बाद श्रीनगर में जाकर समाप्त होगा। लेकिन इसी बीच लगातार राहुल गांधी मीडिया में बने हुए हैं और लगातार उनकी अलग अलग तरह की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे। इसी बीच राजस्थान से आए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भारत जोड़ो यात्रा में अपनी आवाज को बुलंद करते हुए उन्होंने एक जबरदस्त डांस किया और मोदी सरकार पर निशाना साधा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहां पर राजस्थान के कार्यकर्ता जबरदस्त झूमते हुए नजर आ रहे। लेकिन जिस तरह से लगातार कांग्रेस नेता राहुल गांधी दिन रात एक कर यात्रा को सफल बनाने में लगे हुए, जिसमें लाखों की तादाद में कांग्रेस के कार्यकर्ता भी इस यात्रा में जुटे पड़े हैं और राहुल गांधी का समर्थन करते हुए नजर आ रहे। लेकिन एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, जिसमें राजस्थान से आए हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता राजस्थानी गाने पर डांस करते हुए नजर आ रहे। फिलहाल इस खबर को देखकर आप क्या सोचते और समझते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज डेस्क से हर्षराज की रिपोर्ट।